वहीं लोकसभा चुनाव के नतीजों को लेकर श्रावस्ती से बीएसपी सांसद राम शिरोमणि वर्मा ने ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। बीएसपी सांसद ने कहा है कि ईवीएम में बड़े स्तर पर घोटाला हुआ है, तो एक बार फिर यहां पर ईवीएम पर आरोप लगाते हुए सांसद शिरोमणि वर्मा आरोप सुनिए। कहां आपको लगता है कि गलतियां रह गई या कहां पर कमी रह गई जिसकी वजह से इस नतीजे पर पहुंची बीएसपी इन चुनाव में? इसमें हमारी पार्टी का और हमारे सभी समर्थक लोगों का जो ईवीएम में घोटाला हुआ है, बहुत बड़े लंबे पैमाने पर घोटाला हुआ है। हम लोग पहले से भी कहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए, लेकिन उस पर ना तो चुनाव आयोग मान रहा है ना तो सरकार मान रही है, और हम लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए जो निष्पक्ष होगा।